जनपद अलीगढ़ के थाना कुआरसी पुलिस और एसओजी के द्वारा वाहन चोरी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें पुलिस ने 17 चार पहिया वाहन के साथ एक R15 बाइक को बरामद किया है। इस गिरोह के लोग पुराने वाहन व जो एक्सीडेंट में वाहन बेकार हो जाते हैं उनके कागजातों पर चोरी के वाहनों के इंजन नंबर और चेसिस नंबर को बदल कर बेचते थे। इस गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह अलीगढ़ के आसपास के जनपदों में चोरी की गाड़ियों को बेचने का काम करता था। दरअसल अलीगढ़ के कयामपुर मोड़ के पास से कार स्विफ्ट UP 32 LH 2454 में चार अभियुक्त लवेश उर्फ शेरू पुत्र विजेंद्र निवासी गीता विहार कॉलोनी थाना क्वारसी को अपने 3 अन्य साथियों के साथ चोरी की स्विफ्ट डिजायर कार के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनसे थाने पर लाकर पूछताछ की गई। उसके आधार पर अभियुक्त गिरोह की निशानदेही पर 8 चार पहिया वाहन जनपद बदायूं और 8 चार पहिया वाहन अलीगढ़ से संदिग्ध चोरी के बरामद किए गए। अभियुक्त गांव की पूछताछ में बताया गया कि चोरी के वाहनों पर चेसिस नंबर बदल देते हैं और एक्सीडेंट वाले वाहन चलने की स्थिति में नहीं रहते हैं, उनको क्रय करके उनके कागज चोरी के वाहनों पर स्थानांतरित कराकर बेच देते हैं। इस वाहन चोरी के काले कारोबार में मुख्य सरगना प्रवेश उर्फ सेठी उर्फ लाला पुत्र राजेंद्र निवासी नयाबास जिला बदायूं है, जिसने अपना गोदाम भी बना रखा है। अधिकतर चोरी के वाहनों को वहीं खड़ा कर विक्रय किया जाता है। इस गैंग के सदस्यों में कुछ सदस्य दिल्ली हरियाणा आसपास के राज्यों से वाहन चोरी कर लाते हैं और कुछ सदस्य कबाड़े में वाहन खरीदने का काम करते हैं। कुछ सदस्य चेसिस नंबर इंजन बदलवाने का काम करते हैं। वहीं कुछ और अन्य लोग राज्यों से चोरी के वाहनों को प्रवेश उर्फ सेठी के हाथ में पहुंचाने का काम करते हैं। पूछताछ में इनके कुछ अन्य साथियों के नाम संदीप कासगंज, नसीम कासगंज, चंद्र विजय अलीगढ़ का नाम भी प्रकाश में आया है। इनके संबंध में विवेचना की जा रही है। गाड़ी के साथ इंतजार गाड़ी के साथ थाना क्वारसी क्षेत्र में भी गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इनका एक पूरा गैंग है जो गाड़ियाँ अलग अलग जगह से चोरी करता है अलग अलग आसपास के राज्यों और दिल्ली हरियाणा वगैरह से, और उसे ये इनका एक गैंग मेम्बर है प्रवेश नाम है उसका, जिसने बदायूं में जो अपना गोदाम बना रखा है और वहाँ पर ये वो गाड़ियाँ रखते हैं और उनके जो है डिटेल्स चेक करते हैं, जैसे चेसिस नंबर बदल दिया और उसके आधार पर उसके बाद उन्हें विक्रय करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एक्सीडेंट में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और प्रयोग के लायक नहीं रहती हैं, तो उनके कागजात ऑब्टेन करना और उनका नंबर इसमें जो है प्रयोग करके उसे विक्रय कर देना। तो इस तरह की करीब 17 चार पहिया वाहन और एक मोटरसाइकिल पुलिस द्वारा बरामद की गई। इसके अलावा कई सारा अन्य सामान है जिससे जिसको भी ये गाड़ियों में जो है बदलाव करने के लिए या गाड़ियाँ चोरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे बरामद किया गया। इसमें 13 व्यक्ति कुल गिरफ्तार किए गए हैं तथा 3 व्यक्ति फिलहाल फरार हैं। इसमें सर कुछ गाड़ियों में क्रेज भी लगा हुआ है, क्या है वो गाड़ियों पर हो सकता है कि स्टिकर्स लगे हों, इस संबंध में जो जांच की जा रही है।